विकास के कार्य नहीं रुकने चाहिए। जम्मू म्युनिसिपल नगर पालिका में जितने कॉरपोरेटर हैं, कुछ बीमारी के कारण अपना शरीर त्याग गए हैं, वो जगह अभी खाली पड़ी है। उसमें सबसे बड़ा उदाहरण वार्ड नंबर 45 का है, वहाँ की कॉरपोरेटर साहिबा यहाँ नहीं रही, वो स्वर्गवास हो चुकी हैं। अब ये लोग कहाँ जाए? तो उन्हीं के साथ वार्ड नंबर 56 लगता है, जहाँ पर बलदेव सिंह बलोरिया यहाँ के कॉरपोरेटर हैं, एक समय में वो सरपंच भी रहा करते थे। बहुत सी आशाएं लेकर आदरणीय महिलाएं आई हैं, वो क्या सोच रही हैं, क्या उनका काम हो रहा? मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कॉरपोरेटर अब रहे नहीं, अब आप यहाँ आए हैं, हाँ जी, जो समस्याएं आप लेकर आ रही हैं, हाँ जी हाँ जी, क्या वो हल हो रही हैं? हमारी मैं 45 उससे बोल रही हूँ, वहाँ की जो कॉरपोरेटर राजरानी है, उनकी पिछले कुछ महीनों में डेथ हो गई थी, जिस कारण से हमारे वहाँ का को बहुत सारी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या पानी की है और वहाँ की नालियों की हालात बहुत ख़राब है। तो उसको देखने के लिए अब ये बलदेव साहब जी, बलोरिया साहब जी हैं, जिनसे हम अपने उनके पास अपनी समस्या लेकर आए हैं। उनको हमने बोला, उन्होंने हमें पूरा विश्वास दिलाया कि आप कोई बात नहीं, उन्होंने हमारी हर एक समस्या बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से सुनी है। तो हम उनकी आश्वासन से बहुत खुश हैं कि उन्होंने हमें दिलासा दिया कि आपका काम हो जाएगा। हमारे सामने ही उन्होंने उनके डिपार्टमेंट, पानी वाले डिपार्टमेंट से बात की, वो जो म्यूनसिपल कमेटी है उनके जो है सुपरवाइज़र, उनसे भी बात की है कि हमारी समस्याओं का वो ध्यान दें। तो अब ये कहते हैं कोई बात नहीं, हम कुछ टाइम से आपके जाएंगे मोहल्ले में, आपकी पूरी समस्या देखेंगे और आपकी समस्या का पूरा समाधान करेंगे। मैडम, आप भी कुछ उम्मीद लेकर आए कि आपके यहाँ डेवलपमेंट का काम लेके आए हैं कि तो क्या लगा आपको? सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम पानी की है, ये हमारे सॉल्व कर देंगे, और जो सफाई की प्रॉब्लम है वो भी देख लेंगे। हमें तो उम्मीद ही है, तभी हम आए हैं। हम पहले भी आए थे, एक बार मिले नहीं थे, तब भी इन्होंने, हम सेकेंड टाइम हम आए हैं, तो इन्होंने बोला है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहले भी मैं आई थी इधर, तो मेरे को एक नलका लगा के दिया था इन्होंने, पहले भी मेरी सुन ली, अभी भी बोलते हैं सुन लेंगे, कोई बात नहीं आएंगे। एक नलके से हम जितने 10 घर पानी भरते, एक घंटे में कितना पानी आएगा जो हम भरेंगे? तो हमें कनेक्शन चाहिए, साफ सुथरा पानी हमें चाहिए। इन्होंने बोला हम देंगे, तो ये काम पूरा करेंगे। फिर आइए, कुछ और रिस्पेक्टेड मेल भी है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और किस वार्ड से? पाल सिंह है जी। तो हम वार्ड 56 5 नंबर में, सेक्टर 5 में रहते हैं। तो ग्लोरिया जी, हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार चलता है। हमारे जो बलदेव जी हैं सर, इन्होंने वार्ड नंबर 56 में बिल्कुल अच्छी डेवलपमेंट लाई है। रोड्स का भी काम हो गया है, ट्रेन्स का भी हुआ है, लाइटें भी लगी हैं। कुछ अब थोड़ा बहुत जो मामूली सा रहता है, वो भी शायद कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में वो भी कम्प्लीट हो जाएगा। बाकी ये कि वार्ड नंबर 56 की अच्छी डेवलपमेंट हुई है, हर प्रकार से, सफाई की तरफ से देख लीजिए आप, हर चीज़ की तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे बलदेव जी। इनका मतलब हम हर तरीके से इनके साथ हैं और इनका हर जगह हम इनका सहयोग कर रहे हैं। हमारे को मतलब COVID-19 में भी इन्होंने काफ़ी सारा सपोर्ट किया है। हमारे को मतलब कहीं से राशन नहीं मिल रहा था, इन्होंने राशन के लिए हमें सपोर्ट किया हुआ है। और हर एक चीज़, मतलब कोई भी हमारा काम होता है, हम इन्हीं के पास में आते हुए हैं, और ये हमारा मतलब हर एक समस्या दूर कर देते हैं। तो हम इस बार भी गणेश जी बिठाना चाहते हैं, तो हमें परमिशन की ज़रूरत है। तो हम साहब के पास में आए हुए हैं, बलविंदर साहब के पास, तो सोच रहे कि हमारे कुछ ना कुछ इनके पास से मदद मिलती है और हर साल मिलती है, उनके लिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ। IS क्षेत्र के वार्ड नंबर 56 के कॉरपोरेटर श्री बलदेव सिंह बलौरिया से करते बात। बलौरिया साहब, आपका धन्यवाद। जानना ये चाहूँगा, एक तरफ से तो ये एक ज़माने में नेशनल हाईवे होता था, अगर पास ही में है, उस तरफ अगर वार्ड 55 की बात करें तो उद्योग आता है, ये सारा आपके पास है। जानना चाहूँगा कि आप अभी तक एज ए कॉरपोरेटर और एज ए हेल्थ और सैनिटाइजेशन के आप चेयरमैन रहे हैं, क्या क्या आप को संतोष है कि मैंने इतना कुछ किया? धन्यवाद योगेश साहब, आप हमारे साथ मिलने सा बात करने से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं 2 साल तक
हेल्थ सैनिटेशन का चेयरमैन भी रहा जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, और इसके साथ साथ एज ए कॉरपोरेटर तो काम कर ही रहे हैं। इसके पहले पार्टी का जम्मू का जिला अध्यक्ष भी रहा, आज डोडा का प्रभारी हूँ। तो अपने अपनी जगह सारे काम करते हैं, लेकिन जो आपने पूछा कि एज ए चेयरमैन क्या किया, तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं उनके सहयोग से, जो हमारे कॉरपोरेटर्स हैं उनके सहयोग से हमने बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं, जो कि उनको आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बताऊंगी जब हमारा हेल्थ सैनिटेशन का जो सेक्शन थी जब मैंने टेक ओवर किया, तो उस वक्त जम्मू शहर जिसका 1.5 लाख के करीब करीब हाउस होल्ड है उसकी वादी थी, लेकिन जो रेवेन्यू आता था वो 10 लाख 10.5 लाख रुपया पर मंथ आता था, और कोई मैकेनिज्म नहीं था। तब हमने ऑटो शुरू किए, घर घर कचरा का शुरू किया, जो आज ऑटो देखते हो आप लोग कचरा लेने के लिए आते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन होती है, इसके ऊपर हमने जोर दिया। और आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से 150 के करीब करीब ऊपर इससे ज़्यादा ऑटो जो हैं वो चल रहे हैं, और लोगों ने सहयोग करके जम्मू शहर के लोगों को जब हमने फैसिलिटी दी तो 2.5 करोड़ रुपये के करीब करीब, जब मैंने छोड़ा 3-4 महीने पहले तो 2.5 करोड़ के करीब करीब लोग रेवेन्यू दे रहे थे, जिस पैसे से हम लोगों को ऑटो देके, और जो आप जगह जगह जम्मू शहर में गार्बेज के ढेर जो हैं वो नहीं दिखते आपको, कचरे के ढेर नहीं दिखते, डस्टबिन कम दिख रहे हैं, तो वो आपको दिख रहे हैं। जैसे हमारा कुछ खर्चे थे, कुछ करप्शन भी थी, उसको भी हमने दूर किया। ट्रांसपोर्ट सेक्शन में जो बड़ा 80 लाख तक बिल आता था उस बिल को हमने 40-45 लाख तक लाया, और जो हमारे सफाई कर्मचारी जो थे बेचारे, उनका कोई इंश्योरेंस नहीं था, पीएफ नहीं होता था, ऐसे उनको बेचारा कोई सुनने वाला नहीं था, उनकी वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम किए, एक मैसेज दिया है लोगों को हमने। जेल के मीडिया इस बात पर संतोष बलदेव बलोरिया समझ रहा है, आपने खुद माना कि भ्रष्टाचार पूरे देश में है, यहाँ पर भी था, काफ़ी आपने कंट्रोल किया। जब आप इसके हेल्थ और सैनिटाइजेशन में थे तभी COVID-1 और 2 आया था, आम जम्मू में बलदेव बलोरिया जी शिकायत थी कि जो उसके लिए कुछ करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, खैर लोग कहते हैं, इस बात को आप कितना स्वीकार करते हैं? नहीं नोके साहब, जब पहले कोविड की पहली लहर जब आई तो मैं उस पर चेयरमैन था, बिल्कुल नए थे हम, तैयार नहीं थे कोविड क्या है, इससे कैसे निपटना है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक का, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर कभी हमारी बात को टाला नहीं। चाहे कोविड पेशेंट को कोई संस्कार नहीं करने देने आता था, लेकिन हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारी उनका संस्कार किया। हमारे सफाई कर्मचारी जो थे उन्होंने ऐसे 8 घंटे काम करते हैं तो हमने उनसे रात को भी काम करवाया, पूरा सपोर्ट की। और जो हमारे कॉरपोरेटर्स थे उन्होंने अपने अपने वार्ड में ज़बरदस्त तरीके से काम किया। पहली लहर जब आई तो हमने किस तरह मशीनरी लाना, जो चीज़ें सैनिटाइज़र मास्क स्प्रे मशीन जो हमने सुनना तो दूर, हमने देखना तो दूर, हमने सुनी तक नहीं थी, उन चीज़ों को अरेंज किया बड़े शॉर्ट पीरियड में, और अच्छे तरीके से निपटा है। मुझे लगता है कि कमियाँ तो रहती हैं, रहती हैं, लेकिन हमने अच्छे तरीके से निपटा है।